नमो वरुणताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वारियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मने कांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे दीर्घाया झण गहे कम कलंक डहे निचण रंजन नान मैत्रो परम प्रणवी। जैसे धर्म के बिना सुखी होने की कल्पना मिथ्या है, उसी प्रकार ज्ञान के बिना धर्म होने की कल्पना मिथ्या है। जैसे जीव धर्म के बिना सुखी नहीं होता, ऐसे ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता। धर्म का भ्रम हो सकता है, हम धर्म कर रहे हैं कुछ, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में सुख का भ्रम हो सकता है, हम सुखी हैं, हमारे पास कुछ है, लेकिन धर्म तो नहीं हो सकता, सुख तो नहीं है। सुख का लक्षण मिला करके देखना, सुख में नवीन इच्छा का अभाव होगा, नई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, और नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये दुख का लक्षण है। स्वास्थ्य का लक्षण है औषधि की कोई जरूरत नहीं। बीमार का लक्षण है थोड़ी थोड़ी देर बाद औषधि चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद औषधि चाहिए और औषधि सेवन के बाद ऐसा लगता है अब कुछ आराम हो गया। और स्वास्थ्य का लक्षण यह है बिना औषधि के ही आराम रहेगा, औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मन में विचार करो, मिथ्या कल्पना नहीं है ये, गणित में भी कल्पनाएं करते हैं, प्रमेय और गणित होता है ना, उसमें प्रमेय निर्मेय करते ना, तो निर्मेय तो रचना करते, प्रमेय में सिद्ध करते, तो कल्पना करते और फिर उस कल्पना के आधार पर सिद्ध करते। भाषा बोल सकते हो गणित की? हाँ, कल्पना करो कि त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है, तो उसके कोण भी बराबर होंगे, तो उसको फिर सिद्ध किया। ऐसे ही आप कल्पना करके देखो, कोई जीवन ऐसा भी जीवन है, बिना पैसे का जीवन भी है, बिना धन के अनंत काल तक सुखी रहा जा सकता है, लेकिन धन से क्षण भर भी सुखी नहीं हुआ जा सकता। बिना धन के सुखी होने वाले अनंत जीव हैं, देखो उठा करके यहां। अब किसी को पीलिया रोग हुआ हो और उसे पीला पीला दिखे सफेद, वो अलग बात है। बिना धन के सुखी रहने वाले अनंत जीव हैं, अनंत सिद्ध भगवान हैं, अनंत भगवान हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, ज्ञानी हैं, सब बिना धन के सुखी हैं। धन के होने पर भी ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं, एक भी। उनके उदय से वैभव हो सकता है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, जय जयकार हो सकती है, भोग संयोग हो सकते हैं, लेकिन सुख शांति नहीं हो सकती। आप पूछ लेना, उस राजा को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी कमीज पहन करके सुखी हो जाए।
क्योंकि सुखी के पास कमी की नहीं थी, सुखी के बाद कमी की नहीं है और कमी की वाला सुखी नहीं है, न्याय की बात है। घर के बिना जो चिंताएं आपको होती हैं उन चिंताओं का समाधान करो। घर के बिना सुखी रहने वाले कितने जीव हैं, इनका कोई घर नहीं है, सारा विश्व उनका घर है। आप चिंता करते हो हमारा कोई नहीं है, अरे पराया कोई नहीं है, ये सूचो व्यवहार न है। लेकिन ये तब समझ आएगा जब अपने को अपना समझोगे और पर को पर समझोगे। निश्चय से अपना कोई नहीं है तो व्यवहार से पराया भी कोई नहीं है। किसे पराया कहोगे तुम, वह पराया मुसीबत में काम आ जाए, कहीं पड़े हो और कहीं का कोई आदमी निकले और वो आपको उठा देवे और आपका इलाज करा देवे, खून की जो जरूरत पड़े सो आपको करे, घर पे ले जाए, घर पे रखे, घर पहुंचाए, सब पहुंचे, जिसको पराया समझ रहे। और जिसको अपना समझे वो ऐसे चल दे, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। बचाओ, आप दादाजी को अपना कहते थे, आपको रोता हुआ छोड़ करके चले गए कि नहीं? आप दादी को अपना कहते थे और वो छोड़ करके चली गई, रोता हुआ छोड़ करके चली, जब गई थी तो रोए थे कि नहीं? अरे मोह की दशा में रोना आता। जिन्हें हम अपना कहते हैं, सुख का कारण मानते हैं, वे हमें रोकर रोता हुआ छोड़ करके चले जाते, कैसे अपने हैं? हम रो रहे तो रुक नहीं सकते, रुक जाओ भाई, कि हद की बात ही नहीं। जिसको अपना कहते हैं वो अपना अपने अनुकूल नहीं परिणम रहा, वह रोग रूप परिणम रहा है। एक शिकारी जंगल में जा रहा था, जंगल में जाते शिकारी का अर्थ समझ गए होगे आप। उधर उसे एक हिरनी दिखाई दी, उसने तीर छोड़ा, उस समय तीर चलते थे, तीर छोड़ा, अब बंदूक चलती है, बंदूक छोड़ा, तीर छोड़ा उसने, सीधा जाकर के हिरन के लग गया, लेकिन फिर भी मरा तो नहीं हुआ, वो तत्काल वो भागा और भगते भगते झाड़ी के पीछे पहुंचा। अब जो तीर लग गया था तो खून टपकता जा रहा था, खून टपकता जा रहा था, शिकारी खून के सहारे ढूंढता ढूंढता हिरनी के पास पहुंच गया और उसको पकड़ करके निकाल दिया। लेखक कहता है हिरन क्या बोलेगा, उसके माध्यम से लेखक शिक्षा दे रहा है। हिरनी बोली, ए शिकारी तू मुझे मारना है मार दे, हम कुछ नहीं कह रहे, अब तेरे बस में है, वैसे भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे। हाँ, हिरनी का मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। शिकारी के कुछ मन में आ गई भली होनार से, ध्यान रखना टोटरमल जी ने क्या लिखा है, जिसकी भली होनार है उसको ये विचार आता है मैं कौन हूं, मेरे क्या स्वरूप है, जिसकी भली होनार है उसको ये सोच उसको विचार आता है चलो सुन ले जो कह कर रहे, दुकान तो रोज खुलती रहेगी, ये तो काम होते रहेंगे, चलो सुन तो ले आज के कह कर रहे। ऐसे वर्तमान युग में अनेकों दृष्टांत हैं, अनेकों दृष्टांत हैं, उनके मन में आ गई वैसे ही कौतूहल से सुन लिया कि सुन तो ले जो कह कर रहे, और सुना तो समझ में आ गया बात तो सच्ची है। तुम्हारे मार्केट वाले भी फल बेचने वाले और भी बेचने वाले होंगे, वो एक साइकोलॉजी आपकी अपनाते, नहीं तुम चाख लो लेना मत, देख लो लेना मत, क्योंकि वे जानते हैं देखोगे और चखोगे तो आपका मन चले बिना। ऐसे ही यहां कहते सुन तो सही, सुन लो मानना मत, तुम मानना मत। उस लड़के ने भी यही कहा,
एक आंख खोलो और खाली देख रो हमें, एक आंख खोल के देख लो, फूटी तो नहीं, अब दूसरी खोल के देख लो, जब दोनों नहीं फूटी तो खोल दो दोनों, भ्रम टूट गया। तो उसने क्यों कहा था? उसने इसलिए कहा था, उसको भय था अगर ये अपनी पत्नी को देखेगा तो मुझे देखने के लिए अंधा हो जाएगा। अब मुझे देखने के लिए ये शब्द अनुक्त है, पत्नी को देखेगा तो अंधा हो जाएगा, मुझे देखने की कभी वांछा ही नहीं करेगा। आत्मा को देखेगा तो जगत को देखने की वांछा मिट जाएगी, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्यों, क्या समझ में आया? ये परद्रव्य है, बस खत्म मामला। तो हिरनी ने कहा, ये बता तुम्हें हमारा पता किसने बताया? हम छिप गए थे ना झाड़ी के पास, पता किसने बता दिया? तुम हमारे पास तक आ कैसे गए? शिकारी बोला, सोचने लगा, किसने बताया? हमने पूछा तो किसी से है नहीं, वो रक्त की बूंदें देखते देखते चले आए। बोले तुम्हारी रक्त ने, तो अब सोचो जिस रक्त, जिस शरीर की रक्षा के लिए मैं भगा, उस मेरे रक्त ने, मेरे खून ने ही तुम्हें मजा पता बताया। अब बताओ किसको अपना कहें, किसके लिए ये पाप कर रहे हो, किसके लिए ये पाप कर रहे हो? जब अपना खून अपना नहीं होता, लौकिक में बहुत अभिमान है, हमारा खून है, हमारा खून है, ये बच्चा हमारा खून, ये हमारा खून है। अरे खून है मतलब खून का रिश्ता बड़ा रिश्ता मानते लौकिक में, लेकिन झूठा रिश्ता है। अब हिरनी को कौन मारे? उसकी समझ में आ गई भली होनार की। जिसकी भली होना रहे उसको जिज्ञासा जग जाती है, भूख लग जाती है, समझ भाई ये समझो। बीमार हुआ, भूख चली गई, जब ठीक होने को हुआ भूख आ गई। अब तो कुछ खाने को दो, समझ लो कि बीमार ठीक होने लगा, और पछिया जो खाया सो पच गया, फिर क्या पूछना, फिर तो ठीक ही हो गया। जिसका पाचन सुधर गया उसका स्वास्थ्य सुधर गया, ये समझ लो। पूरे चिकित्सा विज्ञान का ये सार है, आयुर्वेद का सूत्र है ये, मंदाग्नि रोग और अग्नि उद्दीप्त हो गई, सारे रोग खत्म, सारे दोषों को पचा देगी। आप भोजन नहीं करिए और दोषों को पचाने के लिए मंदा सुलग गई, तीव्र हो गई, बस आपके सारे दोष मिट गए, आप नीरोग हो जाओ। और यही भ्रांति है और यही विकृति है कि उस अग्नि को सुधारने के लिए गुंजाइश नहीं है, उसके ऊपर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। इस बच्चे के ऊपर 50 किलो वजन रख दो तो क्या होगा इसका? ऐसी अग्नि तो तुम्हारी चार, दो रोटी खाने की और चार खाओगे तो क्या होगा? पाचन होने दो, पाचन होने, अपने आप सुधरता जाएगा। तो भली होना रहे उसको ये जिज्ञासा जग जाती है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है? निर्णय करके देखो, विचार करके देखो, क्या धर्म के बिना सुखी कोई है? उस स्वस्थ व्यक्ति को सुखी कहोगे जिसको कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा, और कहना पड़ रहा है। अगर माँ से उसने कह दिया माँ पानी दो, तो एक तरह की डांट समझ लो, उठा ले पी लेना, ले ले, वो हाथ से देगी नहीं, ले ले पानी। उसको आप सुखी कहोगे कि बीमार है उसके मुंह में चम्मच से पानी डाला जा रहा है, उसको सुखी कहोगे? किसको कहोगे बताओ? आप चार जने पूछने आ रहे,
मना मना करके मौसमी का रस पिलाया जा रहा है। कुछ ले लो, कुछ ले लो, मुनक्का ही ले लो, दूध ही ले लो, काढ़ा ही ले लो, रस ले लो। ये कोई नहीं कहेगा भगवान का नाम ले लो। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। विचार करके देखो, धर्म के बिना सुखी कोई होता है? वैसे ही मत कहो। अगर नहीं होता ये समझ में आती है तो धर्म के मार्ग में लगो। ताते सेवमग लागो चाहिए। और धर्म कैसे होता? ज्ञान के बिना धर्म होता है? धर्म के नाम पर लोक में क्या चल रहा बता? वो बीड़ी पीने वाला भी ये कहेगा बाबूजी बीड़ी पिला दो धर्म होगा, तलब लगी है उन्हें। अब बीड़ी पिलाने से धर्म होगा कि मर जाएगा? 10 रुपया दे दो, आप 10 रुपया दे दो, आप तो दयाशील हो, 10 रुपया दे दो। जरा बेचैनी हो रही है, पीना है कुछ, अब समझ लो धर्म है ये कोई। ध्यान रखना, धर्म प्रदर्शन में धर्म नहीं, धर्म में प्रदर्शन नहीं, एक बात ये समझो। और धर्म आत्मा की परिणति है, धर्म शरीर की क्रिया नहीं है। केवल कुल शरीर का है कुलाचार। अगर धर्म हो तो नाना कुलों में नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं, नाना प्रकार का धर्म कैसे होगा? बीमारियां नाना प्रकार की हो सकती, स्वास्थ्य नाना प्रकार के कैसे होंगे? अज्ञान नाना प्रकार के हैं, भूलें नाना प्रकार की हैं, गलत उत्तर अनेक हैं, लेकिन सही उत्तर अनेक कहां से होंगे? दो और दो, दो और दो, सही उत्तर बताना। दो और दो जोड़ो, क्या सही उत्तर में दो चार उत्तर बताओ, एक ही उत्तर बताओ कि सही उत्तर तो एक ही है और गलत उत्तर चाहे कितने बता दो, चाहे जैसे बता दो। 8 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, सब गलत। गलत उत्तर अनेक और सही उत्तर, तो आप समझ लो धर्म का स्वरूप अनेक प्रकार का नहीं होगा, एक ही प्रकार होगा। जिन्हें हम धर्म की क्रियाएं कहते हैं, उपचार से उन्हें धर्म कहते हैं, उनके समय उन क्रियाओं के काल में भी ये रखना, ये सोचना, जितना हमारा भेद ज्ञान है, मोह का भाव है, कसाएं टूटी हैं, समता है, शांति है, उसका नाम धर्म। धर्म करना है, अरे धर्म पहचानना है, पहले धर्म समझो उसके बाद धर्म करना है। हमें ज्ञान करना है, ज्ञान करना है, ज्ञान समझो। ज्ञान ये क्या है? अलमारी, ये ज्ञान है? नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, ये ज्ञान है। ये क्या है? ये चौकी, ये मेरी नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? ये क्या है? ये दुपट्टा कपड़ा, ये मेरा नहीं है, इसका नाम ज्ञान है, और मेरा है इसका नाम अज्ञान है। ये दुपट्टा है, सूती है, इसका नाम अकेला ज्ञान नहीं है। ये मेरा नहीं है, ये तो है ज्ञान, और ये मेरा है, इसका नाम मोह अज्ञान। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इसका नाम है ज्ञान। इस ज्ञान में क्या विशेषता बताई थी बोलो? इसका नाम ज्ञान है, परमाणु मात्र मेरा नहीं। शास्त्र पढ़ करके आप भी कहना सीख जाओ परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। अकेला स्वा से आश्रय से मैं आत्मा हूं और आत्मा से ये सब भिन्न है, इसलिए ये मेरे नहीं है। समझ में आया ना? ये आत्मा मेरा है तो ये सब मेरे नहीं है। आत्मा के आश्रय से पर को भिन्न जानना तब ज्ञान है। आत्मा के आश्रय बिना पर को भिन्न भी जान लिया तो आगम ज्ञान है, सही है ज्ञान, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं। अभी सुख नहीं होगा,
एक बालक को यहां खड़ा कर दो, उसे कहो बेटा तुम्हारी मां कौन है, उसे भूख लगी है, उस बालक को भूख लगी है, ऐ उस बालक को भूख लगी है, और उसको यहां खड़ा कर दे, वो देख रहा है। कैसे देख रहा, मेरी मां कोई नहीं है। अब उसको सुख होगा कि दुख होगा, इनमें मेरी मां कोई नहीं है, जाने कहां चली गई, क्या कर रही है पता ही नहीं है। अब उसको दुख होगा कि सुख होगा जी बता। तो ऐसे जिस बालक को जिसको ये मेरी मां नहीं दिख रही उसको दुख होता है, ऐसे ही क्यों, बालक के लिए मां सर्व समाधान कारक है। ऐसे ही आपको मैं कौन हूं इस जाने बिना दुख होता है, मैं कौन हूं। अब ये जान लिया तुमने ये चौकी है, इसे क्या होगा, ये मैं नहीं हूं ये मेरी नहीं है, ये भी जान लिया, इसे क्या मतलब होगा, मेरी मिलना चाहिए, ये चश्मा मेरा नहीं है, पढ़ लो कोई बात नहीं, लगा करके पढ़ भी लिया, लेकिन आपके मन में तो ये चलता रहे मेरा कहां गया, मेरा कहां गया, मेरा कहां गया। ये शांति कब तक नहीं आएगी, जब तक मेरा नहीं मिलेगा। मात्र चश्मा मिलने से काम नहीं चलेगा, मेरा चश्मा मिलना चाहिए। ऐसे मात्र जीव को जानने से भी काम नहीं होगा, मेरा जीव, मैं जीव। और जब मैं जीव ये ज्ञान हुआ तो मैं शरीर नहीं हूं, मेरा ज्ञान है तो ये सब ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, ये स्वरूप नहीं है मेरा। क्यों भाई, दुनिया का भूगोल आता हो और अपने घर की रास्ता नहीं आती हो तो कहां जाके सोवे। दुनिया का भूगोल यातायात का नक्शा तुम्हें ज्ञान में आता हो, जयपुर की ये सड़क है, अजमेर की ये सड़क है, चित्तौड़गढ़ की ये सड़क है, फलानी, तुम्हारे घर की रास्ता कौन सी है, चीजें हमें नहीं मालूम, तो जाओगे कहां, रहोगे कहां, ये बताओ। ऐसे ही सारा ज्ञान हो तुम्हें लेकिन अपना ज्ञान नहीं हो तो सुखी काय से होगी, जो बताओ अनुभव काय का करोगे। मतलब एकदम वैज्ञानिक बातें हैं, स्वयं सिद्ध भी है और तर्क से भी सिद्ध है और आगम से भी सिद्ध है और अनुभव से भी सिद्ध है। बालक को जब तक मेरी मां नहीं दिखेगी तब तक उसका क्या समाधान बोलो, कोई समाधान नहीं। आपको अपना स्वरूप दिखे बिना कैसे समाधान होगा। जिस क्षण आपको अपना स्वरूप दिखेगा उसी क्षण आपका समाधान हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। उस बालक को मां दिख गई, उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वो घोषती हुई चीरती हुई भीड़ भाड़ को निकलती हो, कहां जा रहे कहां जा रहे कहां जा रहे। वो तो तीन देर में तो चीर करके पहुंच गया मां के पास और मां की गोदी में छिप गया। अब उसे कोई मतलब नहीं है ये कौन है, ये सब क्या है, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हुआ, उसकी साधना, उसका पुरुषार्थ ये, वो तमाम विभावों को चीरता हुआ अपने चैतन्य की अनुभूति में मग्न हो गया। उसे कोई मतलब नहीं कहां क्या हो रहा है, कैसा उदय है, कैसी सामग्री है, कहां मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मैं कहां हूं, जहां हूं वहां अपना अपने में हूं, ये बात सही है। हम कहां हैं, जहां हैं, महत्व की बात कहां है ये नहीं है, अपने में है कि नहीं है ये है महत्व की बात। स्वाश्रय से पर का भिन्न रूप से ज्ञान, सुख पूर्वक सुख के काल में ज्ञान भी है कि नहीं, तो ज्ञान में दुख के कारण का ज्ञान, ये समझ में आ गया ये दुख का कारण है, ये समाधान है। विचार करो, बिना पैसा के जीवन वाले भी हैं, बिना घर वाले के से सुखी हैं कि नहीं है, बिना स्त्री के भी सुखी हैं, बिना बाल बच्चों के भी सुखी हैं, अरे हम क्या कहें, बिना शरीर के और बिना इंद्रियों के भी सुखी हैं सिद्ध भगवान। और तो भी तुम ये मानते रहो इन सब के ही सुख के, पैसा के बिना को पूछे वो, और तुम ही पूछ के आए पैसा के बिना बालों को, बिना पैसा बालों की पूजा करके आप आए कि नहीं आए,
और कह रहे बिना पैसा को पूछे हो। भरे हुए इसी भी बड़ी समानता है, सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। अरे भगवान को भी मानो, भगवान की भी मानो। अकेले भगवान को तो मानते, भगवान की नहीं मानेंगे ये नहीं चलेगा। गुरु को भी मानो और गुरु की भी मानो। जैसे रोगी वैद्य को मानता है और वैद्य की भी मानता है, और बिना अपनी कुबुद्धि लगाए बिना, बुद्धि तो लगा सकता है, कुबुद्धि नहीं। ये दवाई मलाई से लेना, मलाई नहीं मिल पाई, उसने दूध से ले ली, वैद्य हमने दूध से ले ली, हाँ ठीक किया, कुबुद्धि नहीं लगाई, दवाई नहीं छोड़ी उसके चक्कर में, 15 चीजों का नुस्खा लिख दिया काढ़ा बना करके पी लो। अब एक चीज मान लो नहीं मिल पाई तो जय है भाई के पीछे पड़े सब, वो एक चीज ही नहीं मिली। अरे नहीं मिली तो 14 का लेते है, तब तक शाम को दूसरी भी वो 15वीं चीज भी ले आते, मने नहीं कर रहे, लेकिन जब तक नहीं मिल पाई तब तक जितनी है उतनी तो ले लो भाई। जब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं है स्वानुभव तो करो, केवल ज्ञान भी हो जाएगा काय को परेशान हो। ये समझ में नहीं आ रही, ये तो आ रही समझ में, क्या मैं आत्मा हूं, बस छोड़ो। अगर तुम्हें ये समझ में आता है मैं आत्मा हूं और आत्मा नहीं ही सुख है पर मैं सुख नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आए परवाह मत करो। जो सिद्ध में आप में फिर न जाने सो का परवाह करे जाती। अरे भाई हमें सुख चाहिए और सुख हमें मिल गया हमें आत्मा में, और वो क्यों है करने का तुम्हें। लौकिक में एक मुहावरा का लोकोक्ति कहते हैं, क्या आम खाने के पेड़ गिनने। एक व्यक्ति बाहर गया था यात्रा करने, अब उसको कुछ समझ में नहीं, अपनी थोड़ा सा आटा वाटा रख लिया था या कुछ माने, उसको बगल में पड़ोस की चाची देखने को मिल गई वहीं, वो रोटी अपनी बना रही थी। वो तो पहुंचा, चाची ने तवा दे दो हमको। बोले बेटा काय तवा काय को ले रहे, रोटी यहीं खा लियो। नहीं तवा ही दे हमें, ये कौन होगा, कौन ऐसा होगा जो तवा ही मांगता रहा। जब वे ये कह रही हैं अब तवा ला करके तुम क्या करोगे, अब तुम कहां बनाओगे चार रोटी अलग से, यहीं खा लियो रोटी, अब तवा की क्या जरूरत रहेगी बोलो। जब बिना इंद्रियों के ज्ञान हो गया तो इंद्रियों की क्या जरूरत रह गई, और बिना विषयों के सुख हो गया तो विषयों की क्या जरूरत रह गई। बिना संयोगों के प्रभुता हो गई तो संयोगों की क्या जरूरत रह गई। एक बात बताओ, प्रश्न उत्तर पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, ये तो बाद में पूछेंगे छठवें दिन, छह दिन के प्रवचन की चर्चा, पांच दिन के प्रवचनों में से टेस्ट लेंगे, ये तो बाद में, तुमने कितना पकड़ा, हाँ परीक्षा इंटरव्यू, लेकिन हम तो अभी पूछ रहे, क्या पूछ रहे, भूले ही गए क्या पूछ रहे थे, भूल गए भाई, तुम मत भूल जाना, तुम मत भूल जाना। विचार करो, देखो भूल गए भाई, अब आ जाएगी बीच में याद आ जाएगी तो बीच में पूछ लेंगे। विचार करना, जब अपना काम चल जाए तो साधनों की क्या जरूरत रह गई। कहीं भी काम चल जाए तो बाहरी साधनों की कोई जरूरत रहती है,
जब अपने घर आ गए तो बस को क्या करोगे, नई हो चाहे पुरानी हो, इससे क्या मतलब, उस गाड़ी को क्या करोगे बता। जब सुखी हो गए तो उन विषयों का क्या करोगे, करोगे क्या, होने पर भी उससे उदासीन रहेगी और नहीं तो नहीं होने पर भी उनके प्रति ललक बनी रहेगी। पढ़ क्या रहे शुरू से हम, पहला वाक्य क्या बोला था, जैसे धर्म के बिना सुख नहीं होता ऐसे ज्ञान के बिना, यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या लेना, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान। ज्ञान का अर्थ पढ़ाई मत ले लियो, ये आज के बच्चों की, किशोर वर्ग के बच्चे विशेष रूप से, उनकी एक साइकोलॉजी हो गई, जैसे और पढ़ाई समझते ऐसे धर्म की भी पढ़ाई समझ लेते खाली। ध्यान रखना, धर्म आचरण का नाम है, पढ़ाई का अकेले का नाम नहीं है। हमें पढ़ाई करने और पढ़ाई करते करते जिन बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती है उनका ग्रस्त जीवन कैसा होता है कि देखो जरा उठा करके, यहां उनको कोई काम करना आता नहीं, सोचना आता नहीं, बस पढ़ाई करते रहे पढ़ाई करते रहे, और उस किताब में जीवन जीने की कला लिखी नहीं। आज जो ग्रस्त जीवन की विसंगतियां हो गई उनका कारण ये भी है कि पढ़ाई ज्यादा हो गई, पढ़ाई 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 पढ़ाई। अरे जीवन उपयोगी पढ़ाई कर लो पहले, जो तुम्हारे कदम कदम पर काम आए, जो तुम्हें सुख शांति प्रदान करे। जो केवल नौकर बना है ऐसी पढ़ाई मत पढ़ो अकेली, जो मालिक बना है उसकी ऐसी पढ़ाई पढ़ो, जो अपनों से दूर करे ऐसी पढ़ाई अकेले मत पढ़ते रहो। अपने से दूर करने वाली पढ़ाइयों को पढ़ने के लिए अपने से दूर मत जाओ। अरे अपनों से निकट आने वाली सेवा भावना सिखाने वाली पढ़ाई पढ़ो। गुरुजनों की सेवा कैसे की जाती है, बड़ों का आदर कैसे किया जाता है ये पढ़ाई पढ़ो, छोटों के स्नेह कैसे दिया जाता है ये सोचो। तुम्हें मालूम है सिकंदर आक्रमण करने आया था हिंदुस्तान के ऊपर, तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे सामने थोड़ी आया, तुम्हारी कोई गलती नहीं, इतिहास में है। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया, इतिहासकार उसका नाम पुरु कहते हैं, शुद्ध नाम पौरव राज है। पुरु राजा से या पौरव राज से उसकी संधि हो गई, भोजन का निमंत्रण दिया पुरु राजा ने। सिकंदर भोजन की मेज पर आया, पुरु राजा ने कह दिया भैया सुनो, इस सिकंदर को कोई भोजन मत परोसना, हम परोसेंगे अपने हाथ से। तो सबको भोजन और साथ में थे उनके लिए, तो पूरी साग सब्जी और कुछ चीजें बनी बन गई। अब सिकंदर के लिए क्या परोसें, तो उसने राजा ने सोने के तो गिलास निकाले, सोने की थाली निकाली, कटोरी निकाली और उसमें हीरा जवाहरात रख दिए चार से, जैसे किशमिश की सब्जी होती है ना, मटर की सब्जी होती है, ऐसे हीरा जवाहरात रख दिए उसमें कटोरी, और थाली में बिस्कुट धर दिए सोने के, वे खाने वाले बिस्कुट नहीं, सोने वाले बिस्कुट, सोने के बिस्कुट देखे नहीं होंगे तुमने, हैं? हैं? सोने के बिस्कुट बनाते हैं लोग, तो परंतु सोने के बिस्कुट खाने के काम नहीं आते। और बड़े आदर के साथ, बड़े हिसाब के उस थाली को लेकर के आया, गिलास और बस लेकर के सब थाली पर, सिकंदर ने देखा, बोले ये कहीं खाए आते हैं हीरा जवाहरात सोना, क्या मजाक करते हो। हजूर अगर अन्न खाया जाता तो युद्ध में तो अन्न पैदा नहीं होता, अन्न तो खेतों में पैदा होता है, शांति से पैदा किया जाता है,
ये युद्ध काय को लड़ रही, जय की तो भूख है तुम्हें, हीरा जवाहरात लूटोगे कि नहीं? अगर इनसे भूख नहीं मिटती आपकी, अगर ये समझ में आ जाए तो काय को ये युद्ध के लिए भगते फिरो? आपके पास इतना है, जीवन में नहीं भोग पाओगे और तो अभी लूटने के लिए भग रहे हो? अंधी दौड़ में चले चले जा रहे, कमाते जाओ कमाते जाओ, भोगने तक की फुर्सत नहीं है, दान देने की बात तो बहुत दूर है, और त्याग करना तो सोचे ही नहीं पा रहे कहीं, ये सब छूटेगा। संपत्ति हमें छूट गया, हम संपत्ति को नहीं छोड़ पाएंगे, और संपत्ति तो छूटेगी मरण के समय में किसके साथ जाती है? विचारना उसे गंदर की समझ में आ गई, बोली बात तो ठीक है, युद्ध के युद्ध करना बंद कर दिया। हमारी भी समझ में आ जाना चाहिए, धर्म से सुख होता है, धर्म का संचय करो, और धर्म करना है तो धर्म समझो समझो। अब हम बच्चों से पूछेंगे, दूसरी बात पूछेंगे, वो तो भूल गए अभी, बेटे पानी लाना, बस चल दिए। अरे काय पूछो पहले, समझो, पानी लाना काय के लिए लाना है, कितना लाना है, कैसा लाना है, नहाने के लिए कि हाथ धोने के लिए कि पीने के लिए, एक जने के पीने के लिए, चार जनों के। सोचो तुम्हारी बैठक में चार मेहमान आ जाएं और पिताजी कहें बेटा पानी लाना, तो क्या वो भैंस को पिलाने वाली बाल्टी लेते आओगे पानी? सोचो, अगर होशियार हो तुम तो आप भीतर जाओगे और मम्मी वो पानी मंगाया कर, काहे के लिए? चार लोग बैठे हैं। अच्छा, उसने एक जग में पानी दिया, चार गिलास दिए और एक प्लेट में नाश्ता दिया और कहा क्या था, पानी लाना। और सवेरे 6 बजे एक आदमी आ गया आपके, मामा ही सही, मामा तुम्हारे आ गए कोई बात नहीं, और सवेरे आ गए, बेटा इनको पानी देना। तो पानी काय के लिए देना? निबटने के लिए, नहाने के लिए, काय के लिए दोगे पानी? और उस समय पानी का अर्थ क्या होगा? तो पानी लाना के पानी समझना, पहले पहले पानी लाने के लिए, पानी कैसा लाना, कितना लाना, कैसे लाना समझना है। और तुम्हारी मम्मी कहने लगे मान लो हम ही पहुंच जाए बेटा पानी ले आओ, तो अब क्या करोगे? भग जाए ऐसे ही उठ भग पड़ोगे क्या? पानी लाना का मतलब तुम कपड़े बदलो, नहा धो करके तैयार हो, तब तक हम तमेरिया और बाल्टी वाल्टी मांजे देते, छन्ना रखे देते, ग्लास ऐसे सब उन्होंने बर्तन तैयार कर दिए, तुमने नहाए धोए बेटा हाथ ने ये पहुंच ले हाथ, और अब जाओ पानी भल्लाओ। और फिर उन्होंने राय फिर प्रासु किया, और प्रासु करने के बाद एक गिलास पानी ले दिया। बोलो समझोगे कि पहले लाओगे? कोई कार्य को करने से पहले कार्य को समझ लेना चाहिए, क्या स्वरूप है और कैसे होगा, कहां से होगा। हमको यात्रा करनी है तो चल देंगे उठा करके मुंह, नहीं समझेंगे कहां की यात्रा, बस कहां से मिलेगी, ट्रेन कहां से मिलेगी, क्या बजे मिलेगी, वहां ठहरने का साधन है कि नहीं, बिस्तर फिस्तर है कि नहीं, क्या अपन को ले जाने हैं। बोलो पहले समझो फिर करो, धर्म को भी पहले समझो फिर करो, धर्म आत्मा का स्वभाव है, शरीर की क्रिया मात्र नहीं। 3 घंटे भी पूजा कर, कभी गड़बड़ हो जाती है बड़े लोगों से, लड़का के लिए लड़की पसंद करने गई और ने देखी लड़की क्या सुंदर है, खूब पढ़ी लिखी है, होशियार है, और ने पूजा 1 घंटा करते है, उन्हें धार्मिक परीक्षाओं में भी टॉप है, बढ़िया लड़की है, चक्कर में पड़ गए। उसका स्वभाव था तेज, जरा सी बात सहन नहीं करती थी किसी की,
और जरा से में क्रोध और रूठ जाती थी और जाकर के पड़ती और धोसती थी, हम कछु करे नहीं थे, हम मरे जा रहे। अब बताओ क्या करोगे? लड़की देखो तो ये देखो छेन शक्ति कितनी है, रोटी बनाना आता है कि नहीं आता है, और पथ खिचड़ी बनाना भी आता है कि वैसे ही कि कितो पानी डालें यही सोचे रहे। मतलब रोगी के लिए पथ बनाना आता है कि नहीं आता है, धर्म का लक्षण उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्म चाहिए। धर्मात्मा कौन, कौन बड़ा धर्मात्मा है? जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है अपने दोष के होने पर। सुन रहे हो? तुम्हारी भाषा बोलेंगे अभी हम। जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है और जो जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है वही उतना बड़ा धर्मात्मा है। जिसने क्रोध ही नहीं किया वो तो बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन गलती होने पर जितनी जल्दी क्षमा मांग ले। तुम लोग क्या करते हो? संस्कार स्कूलों में क्या देते हैं? सॉरी कहो तो बच्चे से तो कहना पड़ता है सॉरी कहो, और बड़े को कहना पड़ेगा सॉरी कहो, कहना पड़ेगा क्षमा मांगो, क्षमा मांग ले, कह दे मुझे ले। आपको ये दिखती है गुस्सा हो रहा है, गुस्सा नहीं हो रहा है, ये हम आपको संस्कार बता रहे हैं। क्षमा मांगना स्वयं से आना चाहिए। एक बात आपको कही थी पहले, देखो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति तीर्थंकरों से होती है, तो तीर्थंकरों की वाणी सर्वांग से फिरती है, आपका धर्म भी सर्वांग होना चाहिए। मंदिर का धर्म अलग, घर का धर्म अलग, खाने का धर्म अलग, सोने का धर्म अलग, व्यापार का धर्म अलग, ये बेईमानी की बात है। आपका धर्म एक सा होना चाहिए, कहो मंदिर में तो, दुकान पर है तो, घर पर है तो, यात्रा में है तो, आपकी परिणति एक सी रहना चाहिए, निर्मल। धर्म घंटे आध घंटे मंदिर में क्या आने वाली रूढ़ी की क्रिया नहीं है। धर्म धर्मी के हृदय में बरसने वाला निरंतर आनंदमय परिणाम है, ज्ञानमय परिणाम का नाम धर्म है। क्या करना है? पहले करना के समझना। हाँ, इसी का तो सिलेक्शन होना, और क्या सिलेक्शन होना? पढ़ाई तो इनको पढ़ानी है। आपको पढ़ने की जिज्ञासा कितनी है, पकड़ के कितनी हो, आपके आदर कितना भाव, आदर कितना भाव है, विनय कितनी है, उसकी लगन कितनी है, बस इसी की परीक्षा। लड़की बहुत अच्छी है, अरे अच्छी का मतलब यह है बड़ी सरल है, कोई बात को सरलता से स्वीकार कर देती है, अपनी कुतर्कें दे करके अपना पक्ष नहीं पोषती, खत्म हो गई बात, आपका घर स्वर्ग हो जाए। और नहीं तो पूजा एक घंटा करने वाली हो, क्या टॉप करने वाली परिभाषाएं रट रट करके टॉप कर ले, लेकिन अगर सहन शक्ति नहीं है, विनय नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, तो क्या योग्यता का करोगे? बताओ क्या होगा उसका? धर्म सुख का कारण है। आज धर्म के नाम पर कितने होने लगे, कितने मंदिर बन रहे, कितने अनुष्ठान हो रहे, कितनी, और शांति तो देश में कितनी है, तो बता। इसका मतलब है कि ये कोई धर्म नहीं है, धर्म अलग होना चाहिए, ये समझो इस बात को। एक बच्चे ने कहा, महाराज आप शास्त्रों में लिखा है, आप भी कहते हो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, और ये आबादी तो इतनी बढ़ गई, 125 करोड़ हो गई, हिंदुस्तान की अकेले की, विश्व की कितनी है, और आप कहते हो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। हमने कहा बेटा एक बात बताओ, इनमें मनुष्य कितने हैं? जो अपने को मनुष्य समझते हो, पशुओं जैसे काम नहीं करते हो, ए 125 करोड़ और 4 करोड़ और 5 करोड़ जो कुछ भी वहां होती हो विश्व की हमें नहीं मालूम, लेकिन कहने का मतलब है इनमें मनुष्य कितने? 2-4 होंगे,
दो चार बहुत संक्षिप्त सी बात कही। माने दो चार का मतलब दो चार मत समझना, दो चार परसेंट भी निकल आए तो बहुत है, ये कहने का मतलब। क्यों परसेंटेज जानते हो? चार परसेंट का मतलब, अरे चार परसेंट का मतलब क्या हुआ? सौ में चार तो हजार में चालीस हो गए, और लाख में चार हजार हो गए, और लाख में और करोड़ में कितने भाई? तो आप समझो, आप क्या अब देखो ढूंढो कितने मिलेंगे। जो काला हो सोना हो सकता है, जो हल्का हो सोना हो सकता है, जो वैसे ही मट्टी जैसे दिखा तो सोना हो सकता है। सोने में सोने का लक्षण होना चाहिए, पीला है, चिकना है, भारी है, है कि नहीं? लक्षण होना चाहिए। तो मनुष्य में मनुष्य के लक्षण होना चाहिए। अगर जिसमें मनुष्य के लक्षण नहीं, वो मनुष्य कैसा? ज्ञानी के लक्षण नहीं है, ज्ञानी कैसा? धर्म के लक्षण नहीं, धर्मात्मा कैसा? यही भूल हो गई है। हम क्रियाओं के बल पर अपने को धर्मात्मा मान बैठे, छेवसम ज्ञान के बल पर अपने को ज्ञानी मान बैठे, और भीतर की धर्म की पता नहीं। पहचानो पहचानो भाई, तो समझ में आ गई क्या कह रहे हैं? धर्म के बिना सुख नहीं होता, और ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता। और ज्ञान का अर्थ यहां क्या लेना चाहिए? आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान। इस वेद ज्ञान को सीखने के लिए अपन यहां बैठे हैं, ये सोचना। हमारे जीवन का लक्ष्य इस भेद तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, भेद ज्ञान को प्राप्त करना है। जिस तत्व ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होता, भेद ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान बिना समता भाव नहीं होता, धर्म नहीं होता। धर्म के बिना घूमते रहो चाहे कहीं। समझो क्या समझे? हम कछ हैं ये मत समझो, हम आत्मा हैं ये समझो, हम कुछ नहीं है, हम कछ हैं ये मत समझो। दो चार रुपया इकट्ठी कर ले तुमने, हैं बे दो चार ही है, बे कछ लाख पचास इकट्ठे हो गए, उनमें दम क्या है? इतना कचरा इकट्ठा हो, एक चिंगारी तो बहुत है सुलगने के लिए, सुहा हो जाएगा पूरा का पूरा। सुनो, दो भाई थे और मिलकर के खेती करते थे, खलिहान में अनाज भरा, फसल तैयार आ चुकी थी, खलिहान में अनाज इकट्ठा हो गया था, और दोनों भाइयों में हो गई लड़ाई, और लड़ाई हो गई, उसने उसके खलिहान में आग लगा दी, उसने उसके खलिहान सुहा। बोलो क्या हुआ? काय से? क्रोध है। ऐसे क्रोध को जिसे जीता जाए वो ज्ञान का नाम ज्ञान है। अगर समझदारी है और किसी घटना में आग लग भी जाए तो विवेकी रोने नहीं बैठेंगे, अब क्या करना चाहिए सोचेंगे। अगर किसी प्राकृतिक घटना ऐसी घट जाए, वो बर्बाद हो जाए अचानक, तो रोने मत बैठना, अब क्या हो सकता है ये सोचो, ये क्यों हुआ है, ऐसा नहीं, अब क्या हो सकता है। आपका बचपन चला गया, लेकिन अब क्या हो सकता है ये सोचो। ये मत सोचो बचपन से, अब बचपन तो चला गया, बचपन पढ़ने की उम्र तो ढल गई, चली गई पढ़ने की उम्र तो चली गई, नहीं चली गई। रटने की उम्र चली गई या समझने की उम्र थोड़ी चली गई? समझो,